मैं राधिका आप सबका स्वागत करती हूँ अपने न्यू व्लॉग में। अगर मेरे वीडियोस में आपको कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कर दिया करिए, मेरे चैनल को कर लिया करिए सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर आपसे। माता दी गुड मॉर्निंग, नमस्ते गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज की मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 12 बजे से, और आज हमारे यहाँ आगरा में बारिश हो रही है। आज से ही नहीं बल्कि रात से ही बहुत तेज़ बारिश हो रही है, और जो बारिश हो रही है वो हल्की 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 बारिश हो रही है। तो इस तरीके की जो बारिश होती है वो बंद होने में बहुत टाइम लेती है, लेकिन आज सुबह 8 बजे हमारे यहाँ लाइट चली गई थी। तो सुबह मैंने अपना हाउस क्लीनिंग और कुकिंग का सारा काम खत्म कर दिया था, क्योंकि रात को ही मैंने सोचा हुआ था कि मुझे आज आरू का रूम सेट करना है। और पीछे मेरा एक किचन है जो मेरे यूज़ में नहीं आता है, उसको मैंने स्टोर की तरह यूज़ कर रखा है। तो उसमें कैफे से जितना भी सामान आया वो सारा सामान मुझे सेट करना है। तो आज मैं सुबह जल्दी उठ के मैंने सारा कुछ काम कर दिया था, लेकिन वीडियो शूट इसलिए नहीं किया था क्योंकि इन्वर्टर की लाइट में अच्छे से वीडियो क्लियर नहीं दिखाई देता है, क्लियरिटी नहीं आती है। तो फिर क्लियरिटी जब नहीं आती है तो ना बनाने में मज़ा आता है ना देखने वाले को मज़ा आता है। तो यहाँ मैं आलू की यूनिफॉर्म बाहर इसलिए निकाल के रख देती हूँ कि ये इसको इजी रहता है बाहरी से लेना और बाहरी टांग देना। तो यहाँ मैंने इन लोगों की रैकों को बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर दिया है, ऑर्गेनाइज कर दिया है, क्योंकि ये लोग वैसे तो मैंने इनको बोला हुआ है कि 8-10 दिन से पहले तुम लोगों की अलमीरा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होनी चाहिए। तो ये लोग ठीक करके रखते भी हैं, लेकिन अब बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, इसलिए मैं 10 दिन में एक बार इनका रूम बिल्कुल सेट कर देती हूँ, फिर इसको ये अपना मैनेज करते रहते हैं। यहाँ से मैंने इनके जितने भी एक्स्ट्रा कपड़े थे जो कि थोड़े बहुत भी छोटे हो जाते हैं लेकिन ये घर में पहनते रहते हैं, उन वो सारे कपड़े मैंने हटा के रख दिए हैं, क्योंकि जितने कम कपड़े होते हैं उतने ज़्यादा मैनेज करने में ईजी रहता है। यहाँ ये मैंने 2 कार्टन लिए हैं जो कि अभी मैंने मीशो से काफ़ी सारा सामान मंगाया हुआ था, तो उनमें से ये कार्टन निकले हुए थे। तो एक में मैंने इनके सॉक्स और हैंकीज अरेंज करके रख दिए हैं, दूसरे वाले में मैंने आलू के जितने भी टॉयज इधर उधर फैले रहते थे वो मैंने पूरा करके रख दिया है। बाकी का इनको जब मुझे थोड़ा टाइम मिल जाएगा तो इनको पेपर से रैप करूंगी या फिर कपड़े से रैप कर दूंगी, एक अच्छे से सुंदर से ऑर्गेनाइजर बन जाएंगे। लेकिन अभी मेरे पास टाइम था नहीं। ये वाली जो बकेट है इसमें मैं कपड़े प्रेस करने वाले कपड़े रखती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को मेरे करे हुए कपड़े बिल्कुल भी प्रेस करे हुए पसंद नहीं आते हैं, और सच बताऊँ तो मुझे प्रेस करना आता भी नहीं है, कपड़े अपने कपड़े प्रेस कर लेती हूँ मैं, बाकी के किटू के प्रेस कर देती हूँ। आरू के और वो अपने कपड़े खुद ही प्रेस करते हैं, क्योंकि उनको खुद से करे हुए प्रेस करना ही पसंद आते हैं कपड़े अपने, तो जब भी उनको टाइम मिल जाता है। ये वाली वॉल मैंने ही पेंट करी थी जैसे मैंने आपको बताया है, बाकी के मैंने इस पर पिक्स लगा रखे हैं। ये जो वॉल है वाइट, जो ये जो बेड का सिरहाना है ये भी हमने ही मैंने और किटू ने बनाया था, और फ्रिज के कार्टन से। तो ये वाली जो वॉल है इस पर मुझे फोटोज सेट करने हैं। ये है मेरा पीछे का किचन, तो आज मैंने इसको अरेंज कर दिया है। कैफे से काफ़ी सारा सामान आया था तो मैंने वॉश करके बाहर गैलरी में ही रखा हुआ था, जब वो अच्छे से सूख गया तो फिर मैंने यहाँ आज सेट कर दिया है। इसको सेट करने में मुझे 2-2.5 घंटे आराम से लगे हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें थी, छोटी छोटी चीज़ों को इधर उधर रखना बड़ा मुश्किल होता है। ये वाली अलमीरा रखी हुई है, इसमें मैं विंटर्स के कपड़े रखती हूँ। ये जो बॉक्स है ये भी कैफे से ही आया था, तो आज मैंने अच्छे से अरेंज कर दिया है। यहाँ काम करते करते मुझे 6:30 बज गए थे, तो यहाँ जलाने लगी हूँ जो मैं दीपक अपना पूजा पाठ। और आज मुझे बनानी है आलू की कचौड़ियाँ, खीर और हरी वाली चटनी, क्योंकि आज बारिश हो रही है बहुत तेज़। तो हस्बैंड का बारिश को देखते हुए मतलब मौसम का मज़ा लेने का मन कर रहा है उनका, तो आज ऑफिस से उनकी डिमांड आ गई है कि आज मुझे एक आलू की कचौड़ी खीर खानी है। तो यहाँ मैंने खीर बनाते ही खीर का भोग लगा दिया है भगवान जी को, और खीर की रेसिपी मैंने इसलिए नहीं दिखाई कि बहुत ही सिंपल ईजी वे में बनाती हूँ मैं खीर, क्योंकि हमारे यहाँ पर मतलब कि मेरे यहाँ पर हस्बैंड को बच्चों को मुझे बिल्कुल भी ड्राई फ्रूट्स और नारियल जैसे घिस के डालते हैं उसमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो बस मैंने खीर दूध बॉईल किया था, उसमें थोड़े से चावल डाले, खीर वाले जो चावल आते हैं मोटे वाले जो चावल आते हैं वही खीर में मुझे चावल पसंद आते हैं, तो वो गल भी जल्दी जाते हैं और पता नहीं मुझे टेस्टी भी वही सस्ते वाले चावलों की खीर लगती है। तो इसमें मैंने बस चीनी डाली थी और उसमें हरी इलायची डाली, ज़्यादा कुछ डाला नहीं था इसलिए कुछ खास रेसिपी थी नहीं। यहाँ लगाने लगी हूँ जी मैं कचौड़ियों के लिए आटा, जैसे कि आप सबको ही पता होगा कचौड़ियों का आटा बहुत सॉफ्ट लगाया जाता है, तो इसमें मैंने आटे में थोड़ा सा नमक डाला, रिफाइंड डाला, जिससे आटा है ना थोड़ा सा खुसखुसा हो जाता है, चिकना चिकना सा नहीं रहता, तो कचौड़ियाँ खिली खिली सी अच्छी लगती हैं। बाकी इधर मैंने आलू अपने बॉईल कर लिए थे, छील लिए थे, इसमें मैंने हरा धनिया हरी मिर्च काट कर डाली है, और मसाले मैं कम ही इसमें ऐड करती हूँ, तो बस नमक काला नमक डालना है थोड़ा सा, और सफ़ेद नमक डालना है, हींग डालनी है,
और मिर्च तो मैंने हरी वाली डाली है, लेकिन उसके बाद भी मैंने हल्की सी मिर्च डाली है और कोई चीज़ मैंने इसमें नहीं ऐड, सॉरी खटाई भी मैंने थोड़ी सी ऐड करी है। और बस इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और आज आलू की कचौड़ियों की रेसिपी बहुत सुपर बताने वाली हूँ मैं आपको, बहुत ईजी वे में, कि मेरे इस वाली ट्रिक से अगर कचौड़ियाँ बनाओगे तो बच्चे भी बना लेते हैं इन वाली कचौड़ियों को। और देखिए यहाँ मैं एक पॉलीथीन ली है मैंने, उसमें मैंने आलू फिल कर लिए हैं और मैं आटा कम लेती हूँ, आलू को ज़्यादा लेती हूँ, क्योंकि फिलिंग जितनी ज़्यादा कचौड़ी और आलू के पराठे में होती है उतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में। तो यहाँ मैंने साड़ी की जो नॉर्मल पॉलीथीन होती है उससे थोड़ी सी मोटी पॉलीथीन ली है, और लोइयों पर मैंने बस थोड़ा सा घी लगाया और जैसे आलू के पापड़ बनाते हैं उस तरीके से मैंने उनको फैला लिया है। अभी मैं थोड़ा सा और आगे दिखाऊंगी। यहाँ मेरे हस्बैंड जी को बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लग रही है, तो उनको है कि जल्दी जल्दी से दो कचौड़ियाँ मेरे लिए बना दे। अभी इधर आ गए हैं ये चटनी बनाने के लिए, क्योंकि मैं बनाने जा रही थी तो उनको लगा कि नहीं भाई मैं बनाऊंगा आज, क्योंकि उन्होंने यूट्यूब पर कोई रेसिपी देखी होगी। तो बस इन्होंने हरा धनिया उसमें काटा है, थोड़ा सा अदरक डाला है और हरी मिर्च डाली है, और क्या डाला था, अदरक टमाटर हरी मिर्च और मसाले, मतलब काला नमक डाला है इन्होंने, और जीरा डाला है और थोड़ी सी खटाई डालेंगे। इसमें दही भी डालना होता है, लेकिन दही आज मेरे यहाँ पे था नहीं, तो बस इन्हीं चीज़ों से बन गई है फर्स्ट क्लास वाली चटनी। खुशबू भी अच्छी आ रही है, अगर इसमें दही पड़ा होता तो उसका कलर और ज़्यादा सुंदर आता। तो देखिए इस तरीके से जैसे आलू के पापड़ बनाते हैं उस तरीके से कचौड़ियों का जो पेड़ा होता है उसको हम ऐसे आराम से फैला लेंगे, कहीं से भी कोई कचौड़ी बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। जितना मर्जी चाहो उतना इसमें फिलिंग कर सकते हैं हम अच्छे से, क्योंकि जब बेलन से बेलते हैं तो फिर हमें फटने का डर होता है। पहले मुझे बहुत आलस आता था कचौड़ी बनाने में, लेकिन इस तरीके से मैं कचौड़ियाँ खूब सारी बना लेती हूँ। तो इनको पीसना रह गया था, तो बोल रहे हैं मेरी पीसने की चटनी भी की भी रेसिपी दिखा दे। तो यहाँ मैंने कचौड़ियाँ जैसे कि तेल में डाल दी, और आप देख ही रहे हो कि ना इतने अच्छे से सिक रही हैं, वो बिल्कुल भी कहीं से भी नहीं फटती हैं। आप लोग एक बार बना के देखिएगा, मज़ा आ जाएगा और बहुत ईजी वे में। आज आलू है नहीं, अपनी बुआ के घर चला गया, वरना मैं पेड़े बनाती रहती हूँ और वो पॉलीथिन से ऐसे करके फैलाता जाता है। तो वो बोल रहे हैं कि कचौड़ियाँ बहुत अच्छी बनी है, लेकिन कह रहे हैं कि कचौड़ियों से ज़्यादा मेरी चटनी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। लेकिन अच्छी बनी होगी, मुझे अब तो बहुत ज़्यादा विश्वास हो गया कि इस तरीके से जब कचौड़ी बनाते हैं तो बहुत टेस्टी बनती है। देखिए आटा मैंने कम लिया है और उसमें आलू ज़्यादा फिल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कचौड़ी बिल्कुल भी नहीं फटेगी, कहीं से भी नहीं फटेगी ये वाली कचौड़ी। और इसको बनाने में टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, इससे आराम से जितना मर्जी उतनी कचौड़ियाँ बनाओ। और अब मैं ये है कि हफ्ते में कितनी बार भी मुझे कचौड़ी बनवा लो, मुझे कोई आलस नहीं आता है। इस वाली जो थैली को मैं लास्ट में जब कचौड़ियाँ बना लेती हूँ उसके बाद में इसको पोंछ पाँछ के रख देती हूँ, तो आराम से यही थैली चलती रहती है। बस ये है कि जो तेल या घी जो भी होता है हमें गर्म नहीं उसमें डालना है। अब देख ही रहे हो आप कचौड़ी कितने आराम से इजीली उसमें निकल रही है, मेरा रिफाइंड भी बिल्कुल साफ सुथरा है, क्योंकि कचौड़ी फटती ही बिल्कुल नहीं है। तो उधर मैंने कचौड़ियाँ सेक ली थी, खाऊंगी मैं बाद में, मैं और किटू रह गए हैं, बाकी आरू और पतिदेव जी खा पी के फ्री होके अपना वॉक करने के लिए चले गए। इधर मैं वॉश करने लगी हूँ बर्तन, जैसे कि आपको मेरे व्लॉग्स अगर देखते हो तो आपको ज़रूर पता होगा कि मैं कभी भी रात को गंदे बर्तनों को किचन में नहीं छोड़ती हूँ। तो मेरे बर्तन साफ़ करने का जो प्रोसेस होता है वो हमेशा यही रहता है, जितने भी बर्तन होते हैं उन सब की मैं पहले जूठन निकालती हूँ, जो भी जाली में जूठन होती है उसको सबसे पहले मैं फेंक कराती हूँ, फिर अपने सिंक को बहुत अच्छे से ब्रश से माँज लेती हूँ, उसके बाद मैं उसको वॉश करती हूँ, फिर जितने भी बर्तन होते हैं उनको माँज के सिंक में डालती हूँ, फिर अपने बर्तनों को साफ़ करके बाहर निकाल देती हूँ। आज मेरे पास बकेट है नहीं, क्योंकि जो बकेट थी उसमें मैंने बड़े बड़े बर्तनों को रख दिया है, वो थोड़ी टूट गई थी, इसलिए नई मार्केट से जब लेकर आऊँगी तब मैं दोबारा से रखूँगी। तो देखिए पूरा रिफाइंड मैंने छान लिया, चलने में बस इतनी ही जलन निकली थी उसकी, जो जलने वाली जो चीज़ होती हैं वो निकली थी, वरना तो कढ़ाई पूरी भरी जाती है और कचौड़ियों को ऊपर जब लग जाती है वो काली काली तो बिल्कुल नहीं दिखने में अच्छी लगती है। एक बार इस ट्रिक से ज़रूर बनाइएगा और वापस आके मुझे कमेंट ज़रूर करना कि आप लोगों ने कचौड़ी बनाई तो कितना इजी वे में बनी आप लोगों की कचौड़ियाँ। तो इधर मैंने बर्तनों को वॉश कर दिया है और इधर करने लगी हूँ मैं अपना किचन साफ, और सोने से पहले मैं किचन साफ करती ही करती हूँ, बर्तन वॉश करती हूँ, किचन अपना पूरा क्लीन करके फ्री कर देती हूँ, और सोने से पहले अपना थोड़ा सा लिविंग रूम और डाइनिंग टेबल पे भी थोड़ा सा हाथ मार देती हूँ, क्योंकि जब सुबह हम उठते हैं ना तो जब बिल्कुल साफ सुथरा सा घर देखते हैं तो एकदम से ना माइंड फ्रेश हो जाता है और बिल्कुल भी हेडेक नहीं होता सुबह काम का कि हम ऐसे कैसे काम करें कैसे नहीं काम करें, बिल्कुल भी टेंशन नहीं होता है जब साफ सुथरा सा मिलता है। तो मतलब मुझे बहुत सुकून मिलता है जब भी मैं किचन साफ करती हूँ, और सुबह जब सो के उठकर किचन में आती हूँ तो एकदम से क्लीन पड़ा होता है किचन। तो किचन क्लीन करके फिर मैं इधर आ गई हूँ लिविंग रूम में, तो बहुत ज़्यादा गंदा लिविंग रूम नहीं है आज, तो क्योंकि आज बहुत ज़्यादा बच्चे इस साइड में नहीं बैठे,
अपने ही रूम में दोनों बच्चे रहे, अपने ही रूम में पढ़ाई करते रहे, तो इधर की तरफ से ज़्यादा कुछ नहीं फैला रहा फैला है, तो मैंने यहाँ पूरा क्लीनिंग कर दी है। तो मेरे वीडियोज़ में अगर कुछ भी आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दिया करिए। जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर इसी तरीके की वीडियोज़ के साथ में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टिल देन बाय बाय।